रिकॉर्ड कर रही है, है? मैं तुझे यही नंगा करके तेरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे उसे खत्म कर लेना। चाहते हो भाई? कोकीन चाहिए क्या? यहाँ कोकीन भी मिलेगा क्या? इधर सब मिलेगा। मत बता पैसे से इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन अपुन तेरे को आजाद कर देगा। कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं और कुछ लोग पैसे के लिए जीते हैं, लेकिन एक बात जो एक आदमी को जानने की जरूरत है, अंत में वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। तू अगर बुरा काम करेगा तो तुझे नर्क मिलेगा, और अगर तू अच्छा काम करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। हर चीज का हिसाब है वहाँ पे। महाराज, भला भगवान को ये सब कैसे पता चलेगा? क्या हम भाग्य बदल नहीं सकते? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं खोजेंगे स्वामी?
लाखों लोगों को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा ने भी अपने लिए कुछ लोगों को बनाया है। ये लोग हमारे बीच रहते हैं, उनके पास कुछ मशीनें हैं, ये वो मशीनें हैं, उन्हें सब पता चलता है। भगवान सर्वज्ञ होता है, सिर्फ अपना भविष्य इसमें देख सकता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तू जो भी बदलेगा उसका तुझे सिर्फ निश्चित लाभ ही हो सकता है। अगर तू इसे बदलने की कोशिश करेगा तो बहुत बुरा होगा, याद रखना मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मा जो करता है वही सब होता है। डेस्टिनी एक रहस्यमय शब्द है, कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं और कुछ इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा दिव्य भाग्य कहते हैं। लोगों का मानना है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पूरा जीवन पहले ही तय हो जाता है। वो कहते हैं कि सब आपस में जुड़ा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप हमारे आसपास के सभी लोगों का जीवन भी बदल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ये सब बकवास क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ स्थितियों को बदलने का अवसर मिला था, मुझे अपनी किस्मत बदलने का मौका। ये मेरी कहानी है। Oh yes, मैं हूँ चेतन मेदिनीनी, भारत का सबसे कम उम्र का करोड़पति। I have 100 servants and 1000 girls around me. This is my lifestyle. I'm a genius, billionaire, playboy और परोपकारी हूँ। अगर मुझे आपकी भाषा में बताना पड़े तो मैं बुद्धिमान, अमीर, दयालु हूँ। ओहो, एक बात बताना तो भूल ही गया। I am flirty. Oh my God, चेतन मदलेनी यहाँ पे कैसे? मैंने आपके बारे में फोर्ब्स की मैगजीन में पढ़ा था। इतनी यंग एज में इतना बड़ा बिजनेस, हाउ? ए बाबा, कुछ दे ना बाबा। अरे यार, ये भिखारी भी ना, ये लो और जाओ। आपके पास इतना बड़ा दिल है। मैं तो तुम्हें अपने दिल में घर दे सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो? ए बाबा, अरे एक छोटा सा अगर मुझे भी दे देना, तुम्हें दुआएं मिलेंगी। अरे ये ले और कट ले यहाँ से। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा आदमी है, आज तो जाके साला पवा पीऊंगा। चेतन मत देनी, उछलना बंद करो, लेट्स गो। It's for you. Oh my God! Thank you so much. I love you. माँ, ये क्या है? मैंने कितनी बार कहा है ये बर्तन पानी पीने के लिए, मेरे मुंह पर रखने के लिए नहीं। शुक्र मना कि ये मैं थी, तेरे पिताजी होते तो जूते से मारते। अरे कम से कम पढ़ने की एक्टिंग तो किया कर। आखिर तुम्हारे पति मेरे बारे में सोचते क्या है? पिछले 25 सालों से मोमबत्ती की तरह पिघल रहा हूँ मैं। बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? आज तो जाके साला पवा पीऊंगा। क्या सोच रहा है? नहीं नहीं नहीं, पापा, कैनरीज, कैनरीज। कैनरीज में मुझे सीट कैसे मिलेगी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना माँ? नालायक। बेटा, ये कैनरीज नहीं, कैम्ब्रिज होता है। तुम तो ठीक से नाम भी नहीं बता सकते। हे, तुझे पता है तेरे टीचर पागलों की तरह उस सड़क पे घूमते रहते हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद डिग्री की क्या जरूरत है? बस एक बार आप कंपनी मेरे हाथ में दे दीजिए, देखो मैं कैसे ऊपर लेके जाता हूँ। कहाँ क्या करोगे बेटा? सबसे पहले मैं 2 अंडे खरीदूंगा, फिर एक मुर्गी और एक मुर्गा। अगर उनका मिलन होगा तो मुझे 10 अंडे मिलेंगे, और उन 10 अंडों से 100 अंडे, और 100 अंडों से 1000 अंडे, और 1000 अंडों से लाखों अंडे। फिर हम उनके ऑमलेट बनाएंगे, और फिर 1,00,000 ऑमलेट के साथ हम एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, और सारे ब्रांचेस का नाम होगा COC, चेतन ऑमलेट कंपनी। हम KFC को भी पीछे छोड़ देंगे। मेरे पैसों से ऑमलेट बनाएगा? ऑमलेट बनाना चाहता है। ये ले। बस करिए पापा, मुझे बेसिक चीजें दिए बिना आप चाहते कि मैं डिग्री ले आऊं, कैसे? बेसिक चीजें चाहिए क्या? यस, अच्छी कार, अच्छा मोबाइल, एक अच्छी गर्लफ्रेंड, और ये सारी चीजें देंगे तो सब सही हो जाएगा। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैंने भला तुझे क्या नहीं दिया? मैंने तुझे एक बाइक दी है, एक बड़ा घर दिया है, मैंने तुझे एक सेल फोन भी दिया था ना। अरे रे पापा, प्लीज स्टॉप, ये फोन है क्या? ये फोन नहीं है, स्टोन है। आप जानते भी हैं, फोन लेने के दूसरे दिन बाद पता है क्या हुआ? नानी मेरा फोन ले गई, वो मेरे फोन से अखरोट तोड़ने लग गई। सब ठीक है ना? हाँ, क्या चाहिए तुझे? मुझे एक iPhone 7 चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको डिग्री लेकर दूंगा। हे, अभी किस फोन की बात कर रहा तू? पहले जाके कुछ ढंग का काम कर और अपनी कमाई से फोन खरीदो, फिर मेरे पास आना। देख, उसके बाद तुझे जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। रियली? यस। पापा, अपनी जुबान पे टिके रहना, आज से मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा, मैं आज से इस घर से एक रुपया भी नहीं लूंगा, चैलेंज है मेरा। ठीक है, ठीक है।
सुनमा, अपुन के इस घर में बहुत बेइज्जती हो रही है, अपुन जा रहा है यहाँ से, समझी? अरे यार, जेब तो खाली है दोस्त, माँ कुछ खर्चे के लिए पैसा दो ना। लेकिन तूने तो अभी पापा को चैलेंज किया है ना। तुमने सुन लिया क्या माँ? ठीक है, एनीवे, अच्छा मॉम यहाँ रखती है पैसे, ये ले ध्यान से खर्च करना। इसमें तो एक बियर भी नहीं आएगी। माँ तुम तो महान हो, मुझे 1000 चाहिए थे, तुमने 2000 दे दिए, वाह। अरे नालायक, इसे देना नहीं चुराना कहते हैं। जो भी हो माँ, बाय। भाई दो चिल्ड बियर देना। भाई स्टॉक खत्म हो गया। अबे इतनी सुबह कैसे खत्म हो गई? भाई दो लोग आए थे, 50 बियर की बोतलें ले गए। कौन थे बे वो? भाई एक तो बच्चा चोर लग रहा था, दूसरा नाला सुपार में बंदर का करतब दिखाने वाला लग रहा था। अरे पूरे वाइजाग में सिर्फ दो ही बंदे तो ऐसे हैं जिनकी शक्ल ऐसी है। भागो रे, अरे बाप रे। ये है चीचा और ये है माचा। चेतन के बचपन के दोस्त हैं ये। इनकी दोस्ती तब से है जब ये सिर्फ चड्डी पहना करते थे। अरे अरे मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। अरे चलना मेरे भाई, चलना। भाई ऐसी लाइफ जियोगे तो सही नहीं है, बदलनी होगी। चल रे। अबे कुछ भी मत बोल, तूने तो लवर बना लिया ना, और उसके साथ रोमांस भी कर रहा है। अपुन जानता है उसके साथ क्या करना है। तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? तुम अपने बारे में क्या समझते हो? क्या कोई तुम वीआईपी हो? हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। थू, तेरा शाप लग गया बे, वो भड़क गई है। बताओ मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? यार टेल मी व्हाई? हमारे बीच कोई रिश्ता है क्या? यार ये फिर से शुरू हो गई। तुमने एक कॉल या एक मैसेज भी नहीं किया, या फिर फेसबुक पे एक सिंगल पोस्ट पे लाइक किया है क्या? अरे तुम्हें सुनाई भी दे रहा है क्या? हाँ सुन रहा हूँ ना, फेसबुक लाइक शेयर कमेंट्स। या टेल मी। रघु को ही देख लो, वो फेसबुक पे लाइक करके फ्रेंड्स बनाता है। तुम भी वैसे ही करो ना। तुम्हें पता है वो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करता है, वो मुझे कितना प्यार करता है। दोस्तों से लव करने को भी कहता है क्या? विल यू प्लीज शट अप। वो मुझे कितना प्यार करता है, बट अभी तक उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, ये तुम्हें पता है क्या? ए, ये गोल गोल घुमाना बंद करो, पॉइंट पे आओ। मुझे यूएस में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। हाँ। और तुम्हें 6 साल में भी एक डिग्री नहीं मिली। इवन अगर तुम 60 साल भी पढ़ाई करोगे ना, फिर भी तुम यूएस नहीं जा पाओगे। ए, सुनो मेरी तारीफ करना बंद करो, और तुम चाहती क्या हो बताओ? रघु अपने क्लास में टॉपर है। तो फिर जाना उस रघु के पास, जाना। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बताने आई थी कि रघु और मुझे सेम कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। ओहो तो ये बात है क्या? तुम दोनों अमरीका जाकर एंजॉय करोगे? अच्छा ये सुन, तूने 1 साल तक अपन को एक वफादार कुत्ते की तरह अपने आगे पीछे घुमाया है, मुझे यड़ा बना रही है। अब तू देखना कि मैं कैसे अपनी उंगलियों पे ढेर सारी लड़कियों को घुमाता हूँ। स्टूपिड, मेरे जाने के बाद तू पागलों की तरह रोएगा। लेकिन ये जा क्यों रही है? अरे जा, अगर तुझे जाना है ना तो क्या सोचती है तू? तेरे जाने के बाद मैं देवदास बन के फिरता रहूंगा। आई एम चेतन, विजाग का नंबर 1 प्लेबॉय, ओके? अरे 24 घंटों में तुझसे ज्यादा फेमस लड़की पटा कर दिखाऊंगा मैं, नहीं हुआ तो मेरा नाम चेतन नहीं। अरे वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मुझ में क्या कमी है बताना, मेरे जैसा हैंडसम लड़का पूरे विजाग में नहीं। अरे कम से कम तुम दोनों से तो हैंडसम ही दिखता हूँ। जाने देना, दिल टूटा है छोड़ दे। जाने देना यार, लड़कियां जो है माचिस की तरह होती हैं। अबे वो माचिस नहीं है, एटम बॉम है। अरे ये तो वो भी नहीं जानती कि वो कब फटेगी। जब वो जाती है तो अपने आसपास के लोगों को कुछ मार आता है यार। बाबा 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 वाह। लेकिन लड़के तो शहद के छत्ते की तरह होते हैं, कितना भी निचोड़ोगे तो उसमें से शहद ही निकलेगा, जहर नहीं। क्या भाई, किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? अबे तेरे पास पैसे नहीं है क्या? अबे उसके पास सॉफ्टवेयर कंपनी है। अरे भाई तुम्हारे पास बाइक नहीं है क्या? अबे बेंच कार है उसके पास। अरे यार तो क्या हुआ तुम्हें? अबे टकलो अंकल गुस्सा हो गया। सब कुछ है तो क्यों चली गई वो? भाई मेरे पास डिग्री नहीं है ना। क्या तेरे पास डिग्री नहीं है? डिग्री नहीं है क्या? यूनिवर्सिटी क्या बोल रहे हो? क्या यार डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के भाई जी नहीं जीना चाहता है तू? तेरा तो जीना ही बेकार है। डिग्री नहीं है क्या बोल रहे हो तू? जीना चाहता है तू? बेकार डिग्री के तू कैसे जी रहा है? अरे जाके पापा से पूछ। चुप हो जाओ। जोड़ा पैसा अगर चाहे, डिग्री तू जाके ले ले मुन्ना। गाड़ी घोड़ा बंगला अगर चाहे, डिग्री तू जाके ले ले मुन्ना।
कोई लड़की देखे जो दिल ये बोले सॉफ्टवेयर की जॉब चाहिए ना, दुनिया झुके सलाम दे 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 तुम्हें, उसके लिए डिग्री होनी चाहिए ना। ये छोटी सी लाइफ है बड़ी बड़ी फाइट है, काली पीली डिग्री डिग्री करना है क्या, डिग्री डिग्री नहीं ये जीने का दाम है, ये नहीं मिला तो साला बेकार है, लव एट फर्स्ट साइड वाला प्यार है, डिग्री नहीं तो साला बेकार है, डिग्री की यहाँ पर मारा मार है, ये नहीं मिली तो साला बेकार है, लव एट फर्स्ट साइड वाला प्यार है, ये नहीं मिली तो साला बेकार है। कोई तो मम्मी को दिखा के पढ़े, कोई तो पापा को दिखा के पढ़े, ऐसी डिग्री का करना भी क्या है यारो, किसी के लिए फिर मरना भी क्या है यारो, अरे डिग्री डिग्री करते ब्रेन फेल हो गया, अरे पढ़ते 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 मुन्ना फेल हो गया, अरे डिग्री ना मिली तो गुरु फिरते रहोगे, अच्छे खासे खेलते थे कूदते थे यही कहोगे। क्या हुआ मामू फेल जो तू हो ही गया, क्या हुआ मामू तेरा अगर ब्रेकअप हुआ, डिग्री ना मिली तो मरने की सोचोगे तुम, मैंने ऐसे कहा अब क्या तू मरेगा क्या, अरे रे छोड़ो छोड़ो डिग्री का ये खेल हो यारो, जी कर जीवर 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 जी लो जिंदगी यारो, अरे रे छोड़ो छोड़ो डिग्री का ये खेल हो यारो, जी के जीवर 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 जी लो जिंदगी यारो, डिग्री नहीं है ये जीने का दाम है, ये नहीं मिला तो साला बेकार है, लव एट फर्स्ट साइड वाला प्यार है, डिग्री नहीं तो साला बेकार है, घर गाड़ी बंगला सब किसी का प्यार है, ये नहीं मिला तो साला बेकार है, अरे जी भर के जी लो यार तीन चार है, ये नहीं मिला तो साला बेकार है। भाई मामला तो पूरा बिगड़ गया है, पहले वो मुझे 200 रुपए देते थे, अब तो वो भी देना बंद कर दिया है, उनको मेरी शर्ट से सिगरेट की स्मेल आई और मैं पकड़ा गया, कल से मैं सिगरेट और दारू कैसे पीऊंगा। अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, मैं हूं ना इधर, मेरे एरिया का लाइक कॉर्पोरेटर का एक नालायक बेटा है जो यहीं रहता है, मैं तुझे उसके पास ले जाऊंगा, तू बस उसकी तारीफ कर देना जितनी तू कर सकता है। अबे तुझे दारू और सिगरेट फ्री मिलेगा समझा। भाई वो फरिश्ता कौन है, भाई जब जब कोई लड़की हमारे भाई को देखती है तो शर्म से ही भाग जाती है। अरे हाँ एक दिन श्रेया ने भी मुझसे पूछा था कि क्यूट सा लड़का कौन है, अरे वो तो भाई के प्यार में गिर गई है। अरे तुझे बता देगा, एक दिन भाई ने एक आदमी को कुत्ते की तरह पीटा था, फिल्मी स्टाइल में मजा आ गया था। ए चुपचाप पी लो, अपन को दूसरा केस भी देखने का है आज। ए छोटे आदमी अपन के बारे में नहीं जानता क्या, चल निकल इधर से। अरे भाई क्या धक्का दिया तुमने। ए, तुमने मेरे गुब्बारे फोड़ दिए, हिम्मत है तो वीजा की सड़क में मिलना, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं, चैलेंज करता हूँ तुझे, चल जा रे। अरे भाई वो सामने चौड़ी वाली आंटी आ रही है। तुम में से मेरे बच्चे को किसने मारा रे, अपुन ने मारा है क्या सब करेंगे सब मुस्टंडे ताड़ के झाड़ जैसे लंबे हो गए हो, दिमाग नहीं है क्या। अरे ओ काली वाली आंटी, अपुन कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि तुम्हें कहो रहे थे इधर से निकलने का, ये अपुन का भाई है इंस्पेक्टर सूर्यकांत। अरे इंस्पेक्टर है क्या, तो अपुन क्या करेगा। हाँ भाई है भाई, पता है बुल्ली भाई बुल्ली शेर जैसा है।
तुम सबको कचरे में फेंक देगी, क्या समझा रहे तुम मेरे को? दिया इसने तो। बोले भाई जो भी कहो, सौरत ने बहुत अच्छे से धोया है। तभी तो तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया है मैं। हाँ इधर बैठ। अरे साला ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी बताता हूँ इसको। ये कहाँ से आ गया? अरे इस छोटे से होटल में कोई वेटर है क्या? हाँ सेट बोलो ना। तो फिर अपन लोग को वेट क्यों करा नहीं है सर? उधर उस टेबल पे क्या ऑर्डर लिया उन लोगों ने? सेट उन लोगों ने आरसी ऑर्डर किया है। कितने की है? सिर्फ 500 रुपए का है। सस्ती दारू है, हमें तो कुछ महंगा चाहिए, कम से कम 2000 का होना चाहिए। ब्लैक डॉग चलेगा क्या सर? अबे सुन, विस्की उन सब के सामने से लाना। ए हाँ सेट। तुझे हम क्या अचार चाटने वाले लग रहे हैं क्या? नहीं सेठ। उन सबको खाने में क्या ऑर्डर किया है? चिकन 65 ऑर्डर किया है। चिकन 65 आप उनके लिए तंदूरी पॉम्पलेट लेके आ। सेठ उसे तंदूरी पॉम्पलेट नहीं, तंदूरी ऑमलेट। अबे हमारे भाई के सामने जवाब लगा था। जो मेनू में है वो वही तो मैं बता रहा था। अरे जा जा, चल चल, वेटर कहीं का। अच्छा तो यहाँ गली के सारे कुत्ते ब्लैक डॉग पीने के लिए आए हैं। अरे गधो, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? ए ये क्या चीज है? ये क्या है भाई? ये तो ब्लैक डॉग है। जाने कि तूने काला कुत्ता मंगाया। अब अपन उसके साथ क्या करता है देखते जा। कल के लड़कों का प्यार ब्रेकअप के बाद सीधा बार में खत्म हो जाता है। ए, चुप हो जाओ तुम लोग। अबे ये गार्ड बीच में आ गया इसीलिए, वरना तेरा टकला फोड़ देता मैं, समझा तू? चल निकल टकले। अरे चल उस टपोरी के मुंह नहीं निकलेगा, चल। अरे टपोरियों के साथ उलझना जी चाहिए, चलो। ओके बाबा बाय। उस टकले की तो वाट लगा देता मैं। स्टार्ट। अरे यार इससे क्या हो गया? स्टार्ट हो, अरे यार चालू नहीं हो रही है। अभी तो सर्विसिंग की थी। हेलो आईफोन, पहला चैलेंज जो मैंने बाप से किया था। नो नेम्स नो कॉन्टैक्ट्स, इसका मतलब ये मेरा है। अरे वाह बाइक भी स्टार्ट हो गई। यो दिस इज माय फर्स्ट सेल्फी, यो माय लकी फोन। अभी मेरे बाप को दिखाता हूं। डैड 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 डैड। अरे अब क्या हुआ? माँ अपने पति से कह दो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, योर सन इज नाउ मैच्योर। लेकिन ऐसा तो लड़कियों के साथ होता है। तो जाना माँ, तू कुछ नहीं जानती। डैड इतना हंगामा क्यों कर रहा है? देखो आपके बेटे ने इसे कमा कर लिया है। अभी सिर्फ 4 घंटे हुए हैं और मैं आपके सामने हूँ। मैंने चैलेंज किया था ना। देखो बेटा पहले तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। सुनो वैसे ये फोन जो है तेरे मुंह से मैच नहीं कर रहा, चोरी किया है क्या? चोरी चकारी अपने खून में नहीं है बापू। लोन लिया है क्या? डैड मेरे हाथ हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते समझे। गिरा हुआ मिला क्या? अरे इतना महंगा फोन कोई सड़क पे फेंकेगा क्या? ऐसे बोलो। हाँ दरअसल वो मैंने एक YouTube पे शॉर्ट फिल्म डाली थी और उसमें से कुछ ऐसे ही वन मैन आर्मी मैं ही था। स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन हीरो प्रोड्यूसर ये सब मैं ही था, उसी पैसों से खरीदा ये। तो हीरोइन भी तुम ही होगे ना? अरे यार ये स्टॉप नहीं होंगे वही पुराने जोक्स। हम भरोसा करें? ट्रस्ट मी डैड। पर भरोसा कैसे करें? मुझ पर आप जैसे इंसान के संस्कार होने के बाद मैं गलती कैसे करूंगा? सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी आदमी मेरे दरवाजे पे
इस फोन के लिए या फिर कोई भी पैसा मांगने के लिए आया तो मैं तुझे बड़े प्यार से बाहर फेंक दूंगा। अरे कोई नहीं आएगा पापा। ठीक है, क्या क्या चाहिए बताओ। मैंने आपको बताया था ना जरूरी चीजें, एक अच्छी कार, एक कार्ड, और इसके अलावा अब जो भी देना चाहते हैं मुझे मैं उसे खुशी से ले लूंगा। ये क्रेडिट कार्ड लो। ओ, अनलिमिटेड है क्या? अरे जितना चाहिए कर लेना, इसके सारे मैसेज मोबाइल पे आएंगे। बेवकूफ मत समझो मुझे। अरे तो फिर ऐसे कार्ड में और आधार कार्ड में क्या फर्क है? ये रखिए, मुझे तो ये वाला चाहिए मर्सिडीज। अरे नहीं नहीं नहीं, आप इसके लायक नहीं है। आज आप स्कूटर से जाएंगे। कार तो कार होती है, कोई भी हो, सबसे मैं मम्मी सेल्फी। ये स्मेल कैसी है बेटा? अरे माँ तुम्हारी कढ़ाई जल रही है, जाओ देखो। अरे सुबह चले जाना। अरे एक सिगरेट देना, पैसे ये देगा। अरे ये कौन है? अपने ब्रो जैसा लग रहा है। चल सिगरेट का पैकेट दे। पैकेट? पहले 500 रुपए पुराना दो। अबे ये ले। चमत्कार। बचे पैसों की दारू पी लेना। भाई 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 भाई। ये सिगरेट दो ना। ये सिगरेट। तेरा हेरोस का नाटक है। अरे भाई चुका दूंगा भाई, दे दो ना प्लीज। भाई 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 पैसे नहीं है इसीलिए, दे दो ना एक सिगरेट दे दो भाई। थैंक यू भाई। और ये तुम दोनों के लिए। ब्रो तू तो फुल्ली सेट हो गया है यार। कार, ये कार्ड, अब तो हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं ना। अबे काहे का सेलिब्रेट? तेरी लाइफ तो सेट हो गई, अब हमारी भी सेट हो जाएगी ना। अबे सेठ खुश तो एम्प्लॉय खुश। छी, अबे तेरे कहने का मतलब नौकर है क्या? तो क्या यही बात अलग अलग बताओ क्या? सब कुछ तो ओके। आयशा को जो चैलेंज किया था ना कि मैं 24 घंटे में दूसरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वो पूरा नहीं हुआ रे। टेंशन काहे को बाबा, तू किसी बीच पे जा, पार्क में जा और किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ सेल्फी लेके मुझे भेज दे। और इसके बाद मुझे पता है कि उसको कैसे कहाँ भेजती है। मेरे जैसे अच्छे इंसान के दोस्त, तेरे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। उसी काम के लिए जा रहा हूँ मैं, उसे एहसास होना चाहिए कि उसने क्या किया है। अरे वाह, आज का सनराइज तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सनराइज तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इससे पहले तो मैं इतनी सुबह उठता ही नहीं था। जिंदगी बहुत ही स्मूथ चल रही थी जब तक कि इस लड़की की एंट्री मेरे लाइफ में नहीं हुई थी। जिस पल मैंने इस लड़की को देखा था उसमें कुछ तो था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। लेकिन अगर आप मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो तो मैं बता दूं कि वो एवरेज थी। उसे देखते ही मेरे सारे टेंशन कहीं खो जाते थे। हमें पता नहीं होता कि हम कब कहां किसी को चाहने लगते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है शरीर में 1000 वोल्ट्स का करंट पैदा होता है जो हमारी धड़कनों को रोक देता है। खैर उस पल से मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। यस आई फाउंड हर। भाई मंडा पेट गए भाई। अरे बोल भाई, एक नई लड़की उठाई है, बताओ क्या करना है। पहले उस लड़की की फोटो भेज, फिर बताता हूँ तुझे क्या करना है। भाई तेरे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मैं। ए! क्या है रे, पकड़ इसको। ए पकड़। फोटो नहीं खींच रहे। ए पकड़ रे, लेने दे फोटो। सीधा ये फोटो भाई के व्हाट्सएप पे भेज दे। मैं अभी ये फोटो दोस्त को भेज देता हूँ। अरे यार ये फोन तो नया है, इसमें तो किसी के कॉन्टेक्ट्स नहीं है। क्या नंबर था वो? 9848670601 या 00। भाई सिग्नल नहीं आ रहा। थोड़ा वेट कर ले। सलाम अलैकुम, मैंने आपको एक स्पेशल आइटम भेजा है, एक बार देख लीजिए जनाब। माशाल्लाह क्या बात है, वल्ला वल्ला। सर मुझे ये लड़की कैसे भी कीमत पे चाहिए। शेख साहब इसे देख के मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। शेख साहब इस बार अपन को पैसा डबल मांगता है। अल्लाह कसम पूरा 5 करोड़ देती, लेकिन हमको यही लड़की मांगती है। शेख साहब ये लड़की अपन किसी को नहीं देगा, ये सिर्फ आपके लिए रखा है। जब से ये फोन मुझे मिला है मैं इसे यूज करते जा रहा हूँ, सिम कार्ड भी नहीं बदला। भाई फाइनली नेटवर्क मिल गया, अन्ना का फोन है। ए पकड़ पकड़। हाँ बताइए भाई। लड़की का वो शेख 5 करोड़ देने के लिए तैयार है, उसे जल्दी लेकर आ जाए इधर। लेकिन भाई मैंने फोटो तो भेजी नहीं। मैं तुझे थोड़ा रुक के कॉल करता हूँ। वो सही बोल रहा है, ये फोटो तो दूसरे नंबर से आया है। इस नंबर को क्या?
इसकी तो आप उनको नहीं मालूम तू क्या करेगा। मैं तुझे एक फोटो भेज रहा हूँ, उसे अच्छे से देख। हाँ भाई, ये फोटो सही जगह पर आई है। मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन ये 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, समझा? आप उनको ये लड़की चाहिए, समझा? किसी भी कीमत पर। ठीक है भाई, हो जाएगा भाई। ए, चल रहे इसको लेकर, चल चल। हाँ भाव, हाँ भाव। ब्रो, तूने फोटो देखी क्या? ऑफ कोर्स, वाव, शी इज लुकिंग सो अमेजिंग भाव। रियली? इसमें कोई डाउट नहीं है भाव, देश का हर नौजवान इस ब्यूटी को देखकर बहुत कुछ करना चाहता है इसके साथ। अच्छा तू मुझे एक बात बता, क्या वो मुझसे प्यार करेगी? तेरे कहने का मतलब क्या है? ये तो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है? तू किसकी बात कर रहा है? अरे मैं तो यहाँ सनी की बात कर रहा हूँ भावा। ए, मैं उस फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने तुझे भेजी है। फोटो क्या? कब भेजी तूने फोटो? तुझे नहीं मिली क्या? शायद मैंने गलत नंबर पर भेज दी। अरे यार, मैं तुझे दोबारा भेजता हूँ। मैंने देखा भावा, अकॉर्डिंग टू माई इंसेप्शन एंड इंटरस्टेलर। सॉरी, तुझे इंग्लिश नहीं आती ना? कोई बात नहीं, कहाँ रहती है ये लड़की, तेरे लिए मैं इसे सेट कर दूंगा ब्रो। तू चिंता मत कर और आराम से सो जा, मैं कल से इस काम में लग जाऊंगा। पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये छमिया कब आएगी? अबे इसके बारे में रिस्पेक्ट से बात कर, भाभी है तेरी, भाभी वो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हमारी भाभी, लेकिन आएगी कब यार? वेट कर यार। हे वो देख, भाई 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 जाना उसके पास, जाना जाइए ना। अरे जाना नहीं यार। अबे तुझे डर लग रहा है? इतना डरपोक है तू, इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है? डरपोक कहीं का, तू बस उसकी फोटो यूज कर सकता है, समझा? अरे यार तू तेरी बकवास बंद कर, पहले मुझे कोई प्लान बता कि वो कैसे मेरी हो जाए। अरे इसमें क्या है, कुछ गुंडे को भेज, हीरो वाली एंट्री मारो, लड़की को बचा, लड़की तेरी। ए, मैं उसे पटाने का प्लान पूछ रहा हूँ, किसी तेलुगु फिल्म की स्टोरी नहीं। भाई तू एक बात भूल रहा है, आज की लड़कियां तेलुगु मूवी देखना बंद कर दी, वो इंग्लिश रोमांटिक मूवी देखती है। अरे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन भाड़े के गुंडे कहाँ से लाऊंगा? शॉर्ट फिल्म के एक्टर भी 1000 रुपए पर डे लेते हैं। भावा, अपन को रियल वाले विलन क्यों चाहिए जब हमारे पास रियल वाले विलन है? कौन है वो? हेलो, बुले भाई स्पीकिंग। हाँ वही गधा राजू, चेंज हुआ है या अभी वही 1 रुपए वाली बीड़ी पीता है? अबे तू कौन बोल रहा है? अरे तेरे पास घर भी है क्या, या अभी भी नाला सोपारा के स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सोया रहता है? अगर तूने मेरे साथ कोई पंगा लिया तो अपन नहीं छोड़ेगा। अच्छा अगर तुझे लगता है तेरे पास बॉडी है तो तू जिम जा, समझा टकले? अरे तू है कहाँ बताएगा क्या, आप ना के उधरी सेटल करेगा। ओके मैं तुझे एक क्लू देता हूँ, जिस बीच पर तेरे जैसा स्टैचू है तू वही पर आएगा, समझा? ए, मेरे जैसा दिखने वाला स्टैचू इधर कहीं है, उसने बताया भाई, था। भाई, हाँ। तुम्हारे जैसा दिखने वाला स्टैचू आज वो येड़ा मेरे हाथों से इधर ही चमरेगा। बॉय सर्च वहाँ होगा शायद, भाई वो वहाँ होगा, ओके भाई वहाँ होगा, वहाँ होगा, शायद वो वहाँ होगा, भाई वहाँ भी हो सकता है भाई। अरे भाई उसी को तो ढूंढ रहा हूँ, छुपा होगा इधर रेत में। You are right, भाई वो वहाँ भी है, भाई वो वहाँ भी है। अबे गधो ढंग से ढूंढो, खाली घूम रहे हो यहाँ पे। अबे नाला है कैसा? ए इस बुल्ली राजा को एक बुल्ली रानी भी तो चाहिए ना, बॉयज घेर लो इसे। ए आइटम तुझी को बोल रहा हूँ, मैं तुझे सी फेस में डबल बेडरूम वाला घर दूंगा, मैं तुझे एक नई मस्त कार देगा, तुझे मांगता है तू डेली शॉपिंग कर कार्ड ही दे देगा, इन सब के बदले तुझे अपन अपना दिल भी दे देगा, और मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। अबे टकले इधर सेटल करते आ। ए, 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 अरे मुझे जाने दो भाई, तुम ऐसा इस लड़की के सामने क्यों कर रहे हो यार, अपना बेटा बात सुझा लेंगे ना। अबे गंजे मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा, समझा तू? ए पूरे विजाक में मेरे जैसा कोई मर्द नहीं है, बॉयज अटैक। बाबी बाबी मुझे इस तरफ मारना। भाई भाई मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरा छोटा सा मुर्गियों का बिजनेस है भाई, मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो।
ये भी भाग गया। ये बुल्ली राजा तेरी तरफ आ रहा है, बचना। मैंने गलत क्या किया था भाई? मैं तो बस इस लड़की का बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। बॉयफ्रेंड बनेगा? अबे तुझे पता है बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह उठ के ब्रश करने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग डियर का मैसेज करे, लड़की को तैयार होने से पहले उसके घर के बाहर जाकर उसका इंतजार करे, और कभी वो सुंदर दिखे या नहीं दिखे उसे झूठ बोलना होगा कि वो सबसे सुंदर लड़की है। उसे उसके घर से बाहर निकालने के लिए कहानी बतानी पड़ेगी। अपने दारू और सिगरेट के पैसे बचाने के बाद वो सारे पैसे उसकी विश पूरी करने में लगा देना चाहिए। उसका दिन इस टेंशन में शुरू हो जाए कि आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कहां घुमाने लेके जाने वाला है। और जब वो फाइनली किसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जब लड़की को ऑर्डर करती है, उसके बाद जब वो डाइटिंग के नाम पर सभी डिशेज को थोड़ा थोड़ा खाती है, तो उसे खुश होना चाहिए कि लड़की का बचा हुआ खाना उसे मिला। यहाँ तक कि जब कोई नई फिल्म लगे तो वो टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहे उसके लिए, समझा तू? और अगर उसे दो टिकट्स ना मिले तो और ज्यादा पैसे देकर ब्लैक में खरीदे। इतना सब कुछ करने के बाद उसे मॉर्निंग का फर्स्ट शो दिखाने के लिए लेकर जाए। और देख, कभी कभार ऐसा होगा कि ना चाहते हुए भी लड़की के बगल में बैठना पड़ता है, ये जानते हुए कि वो फिल्म के हीरो को देख रही है जो आपसे बेटर दिखता है। आपको भले ही जलन हो रही हो, लेकिन उसको सब कुछ हंस के सहना पड़ता है। उसके बाद वो लड़की चाहेगी कि आप उसे ब्यूटी पार्लर लेके जाए, तो आपको ले जाना पड़ेगा, समझे तुम? ऐसा भी हो सकता है वो अचानक एसी रूम से गायब हो जाए, जबकि आप बाहर एक वफादार कुत्ते की तरह उसका इंतजार कर रहे हैं। और जब वो बाहर आती है, वो मेकअप में बहुत खूबसूरत लगती है, तब आप उसे किस मांगते हैं, तो बोलती है हर कोई मांगता है, तो तुम उसे दूर पार्क में ले जाओ और वहाँ किसी चौकीदार की तरह संभालो। और तभी वो ये भी कहेगी कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसीलिए आप सभी अपने अपने घरों में जाए और फोन पे अपनी बकवास करें। और अगर आपको रात में 1 बजे तक नींद नहीं आती है तो आप उसे कॉल करते रहे। मुझे अकेला छोड़ दे बॉयफ्रेंड महाराज। अबे गंजे, बता भाग कहाँ रहा है, तुझे बॉयफ्रेंड बनना है कि नहीं? ओए ओए गंजे सुन, ओए। हे, आर यू ओके? सॉरी, इन सब बातों का बुरा मत मानना। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तुम विजाग में रहती हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं विजाग की नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम यूएस। ओह यूएस, तब तो लाइफ काफी चिल होगी तुम्हारी। हाँ, लेकिन ट्रैवल करो तो यूएस सिर्फ नाम का है, लेकिन वहाँ एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे पापा बहुत सख्त है, बट फाइनली मैं यहाँ आकर एंजॉय करना चाहती थी। आई गॉट माई फ्रीडम। लेकिन अभी तुमने देखा ना, ऐसे घटिया लोगों की वजह से मुझे खुद को कैद करके रखना पड़ता है। हे, भरोसा रखो, तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड मिला है, समझो। कौन है वो? चेतन। बाय द वे, कल सुबह ठीक 8 बजे हम अराकू जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बी रेडी। दैट्स अ सैडल। हम अभी तो मिले हैं, बिना मुझसे कुछ पूछे, बिना कुछ मेरे कहे तुमने सब डिसाइड भी कर लिया। तुम्हें अपने दोस्तों से कुछ पूछने की या सुनने की जरूरत नहीं है, वो सब तुम्हें समझते हैं। ओके देन, आई थिंक श्रुति भी कल सुबह इस ट्रिप के लिए आ जाएगी। हम भी हैं। ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं, ये चीचा और ये बच्चा। वैसे मैं देखने में काला हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत सफेद है। क्या हम दोनों चलकर कहीं बात करें? मैं किसी दिन अपनी बायोग्राफी लिखूंगा, और जब लिखूंगा तो आज के दिन पर ज्यादा जोर दूंगा। आज का दिन स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम दोनों आज तुम्हारे पास तो कहने का एक रास्ता भी है। क्यों? चेतन, इस ट्रिप में चीचा माचा दोनों आ रहे हैं ना, अगर मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या? नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे फ्रेंड को मॉर्निंग में पिक कर लूंगा, उनका एड्रेस और फोन नंबर दे सकती हो? ये कम ऑन बेबी, ये चल उतर। मैं क्यों उतरूं? वो आ रही है, चल पीछे जा। वेलकम मैडम। हाय। तुम्हारे पेरेंट्स इतना इजीली तुम्हें जाने देते हैं? हाँ, मेरी आंटी बहुत समझदार है, फुल फ्रीडम है। तुम्हारे बारे में ऐसा है क्या? क्या कहा तुमने? यही कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है। अच्छी बात है। चल। हे, हाय। 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 ये चेतन के फ्रेंड्स है, चीचा और माचा। मैंने इनको भी पहले कहीं देखा है। चुप हो जाओ। क्या हुआ तुम दोनों को? लड़की है, लड़की है, लड़की है। I'm coming. Hello. Excuse me. हाँ?
एनी प्रॉब्लम? स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओह स्टार्ट नहीं हो रही क्या? मैं हूँ ना यहाँ पे, आप चिंता मत करिए, मुझे देखिए। हटी 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 सॉरी सर, कोमल पैर मैंने नहीं देखे। अपने इन कोमल कोमल हाथों से इस हैंडल को खस के दबाइए। ओ ये बाइक तो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गई क्या? ये स्टार्ट हो गई, यस। अरे आपने अभी कहीं देखा क्या है? अभी देखिए मैं इसको कितना तेजी से चमका देता हूँ, एकदम मजा आ जाएगा 2 मिनट में। हटी 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 हटी। अरे ओ ओ ओ आपके कोमल हाथों को नहीं देखा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके कोमल पैर फिर भूल गया। हो गया, थैंक यू। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ कादर, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ, जस्ट 5 मिनट्स। कादर कौन है, आपका भाई है क्या? नहीं जी, मेरा लवर है। अरे ए, ए, मेरी तेरी स्कूटी क्या है? जाके कादर से पूछ ले अपने लवर से। मेरा स्कूटी तो देते जा। थू। और तेरी क्या स्टोरी है? अरे बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, बचाओ। अरे बचाओ, अगर मैं इसे बचा लूंगा तो मेरी लाइफ डूब रही है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेबी, कम ऑन, मैं आ रहा हूँ। बेबी डोंट वरी बेबी, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लॉर्ड, मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हो गया था। चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक है। देखे अब कुछ नहीं हुआ। देखे, देखे। भैया ओके। रे छी। ए, मुझे याद है, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहीं देखा है। नो चांस, ये दोनों पिछले महीने से वर्ल्ड टूर पर गए थे, कल ही वापस आए। हे, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। जगह है चेतन, थैंक लॉर्ड चेतन। यही मेरा गिफ्ट है। क्या मतलब? ये आजादी। मतलब? हाँ, क्या तुम जानती हो, ऊपर वाले ने हमें अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी दी है, लेकिन हम खुद को रिश्तों और फैमिलीज में बांध लेते हैं। लेकिन इस ट्रिप में मैं तुम्हारे फ्रीडम को तुम्हें वापस दे रहा हूँ, और यही मेरा गिफ्ट है। उसे इतना खुश देख कर अच्छा लगा, लेकिन मैं भी उससे प्यार करने लगा था। अगर आप किसी लड़की की खूबसूरती देखकर उससे प्यार करते हैं तो ये सेल्फिश लव होता है, और अगर आप उसे हमेशा खुश रखना चाहते हैं तो उसे सच्चा प्यार कहते हैं। क्या हुआ अगर वो नॉर्मल सी लड़की है, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है ना। उसी वक्त मैंने उसे प्रपोज करने का फैसला किया। श्रुति आई लव यू। ओह चेतन, अपनी फीलिंग्स बताए अच्छा किया, मुझे बस मेरी फ्रीडम चाहिए, और वैसे भी मैं किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती, मैं इसे नहीं खो सकती। तुमने जो कहा वो प्रेजेंट के लिए सही है, हम फिलहाल अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बट नॉट जस्ट अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स। यस ऑफ कोर्स। समय के मिलके आगे हम संग चले, घूमे ये सारी दुनिया रे, हम सरहदों के आगे मिलके यूं भागे रे, चल उड़ चले गगन में संग में बिंधागे रे, याराना हमारा सबसे जुदा है, इसमें हमको आ रहा मजा, किसी ने ना देखा दुनिया का कोना, संग में हम तो देखेंगे। अलग से है थोड़े से फनी, चलो मिलके रंग डाले हम नीले रंग से आसमान,
नजरों से दीवाने हैं, हम तो मासूम हैं। ना रोके कोई हमें, हम ऐसे प्यार हैं। दिल में ना हो गम कोई, जी भर के जी ले हम। जितनी भी हो जिंदगी, जी भर के जी ले हम। से जुदा है इसमें हमको आराम जा। जिसने न देखा दुनिया का कोना, संग में हम तो देखेंगे। ओ हो भाई, उठना उठना। अरे भाई उठना। अरे सुबह सुबह क्या बकवास लगा रखी है तुम दोनों ने। जॉगिंग भाई। हाँ क्या कहा तूने? हमारे पास सिगरेट भी नहीं है ब्रो। अरे ये ऐसी दिख रही है तो इसकी माँ कैसी दिखती होगी रे। सही कहा भाई। क्या कहा तूने? हे ये तूने मेरी माँ को गाली दी? इस शहर में मेरी आंखों में देखकर ही लड़कों को डर लगता है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? बहुत टेस्टी है जाने मन, आज तेरा सारा स्वाद चखूंगा। क्या कर रहा है इसके साथ? क्या हो रहा है? निकल निकल साला वेनु गैंग के आदमी है। ए, चल यार उस लड़की को बचाते हैं। ऐसा मत कर यार, मेरी बात सुन। अरे यार वो अकेली लड़की है, उसे बचाना ही होगा। चल ना यार चल। अबे तूने टैटू नहीं देखा क्या? अरे कौन है वो लोग? वो पोर्ट पेट्रो के आदमी लोग हैं। ये बेडू कौन है यार? हमारे एरिया में अनाथों के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। अगर तुम्हें कोई अडॉप्ट कर लेता है तो तुम उसके साथ बड़े होते हो, और अगर नहीं तो पोर्ट पेट्रो गैंग ज्वाइन करना पड़ता है। ये सब छोटे छोटे माइंड के लोग हैं, उनको एक मास्टरमाइंड कंट्रोल करता है, और वो है वेटू। पोर्ट वेटू। पूरे विजाग में ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसमें वेटू इन्वॉल्व ना हो। छोटे बच्चे को ड्रग सप्लाई, इंसानी तस्करी, वो लोगों को डोमिनेट करते करते आज विजाग का माफिया किंग बन चुका है, और वो टैटू एक सिंबल है। उन गैंग मेंबर्स में से किसी को भी टच किया तो सारे गैंग एक साथ मारने आ जाते हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही है मेरी जान? चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज ना छोड़ो। Hey, good morning. Hey, morning. Coffee? No thanks. तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? बस तुम्हें देखने के लिए excited था। Wow, तुम मुझे impress करने के लिए इतना hard work कर रहे हो क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। तुम मुझे ही प्यार क्यों करते हो? तुम्हें पता भी है मेरे बारे में कुछ? या यू आर राइट, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो कुछ अजीब सा महसूस करता हूँ। हालांकि वो फीलिंग्स भी अच्छी होती है, लेकिन जो कुछ भी महसूस करता हूँ, आई फील रियली हैप्पी। इसका मतलब तुम सिर्फ मुझे प्यार करते हो, तो ये सेल्फिश लव हुआ ना? हाँ, सेल्फिश। तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम जो चाहो वो करो। Nice line. सुबह सुबह उठते ही तुमने इसे कहीं पढ़ा है क्या? हे, ये मेरे दिल से निकली आवाज, I promise. Impressive.
ओके एनीवे हम आज कहाँ जाने वाले हैं? ए, तूने गंगाराम को माल भेज दिया क्या? भाई वो लड़की इधर ही आ रही है। हाँ तो आने दे, जो लड़की एक बार मेरे साथ सो लेती है ना वो पूरी जिंदगी भर भूल नहीं पाती। ए क्या रे तू यहाँ क्या कर रही है, क्या चाहिए तुझे? तूने क्या सोचा कि तू मुझे छुरा मार के भाग जाएगी? तू रिकॉर्ड कर रही है, है? मैं तुझे यही नंगा करके तेरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे उसे खत्म कर लेने दे। श्रुति, श्रुति, तुम ठीक हो ना श्रुति? सुन, मैंने आज से पहले किसी के लिए भी अपनी जान खतरे में नहीं डाली, लेकिन अगर तूने इस लड़की को छुआ भी तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूं और अपनी जान भी दे सकता हूं। बाबा अब कैसा फील कर रहा है तू? मैं ठीक हूं यार। तुझे पता है तूने किसके साथ पंगा लिया है? बेडू गैंग के लोग से। मुझे अब टेंशन है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तूने एक लड़की के लिए पंगा लिया, पागल है क्या? मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैं उसे ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकता। उसे शांत करने के लिए मैंने ये सब किया, मुझे क्या होगा ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ यार, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ यार। अबे बेवकूफों की तरह बात मत कर, ये लव वगैरह कुछ नहीं होता। तूने किसी को चैलेंज किया था कि तू एक दिन में किसी लड़की को पटा के दिखाएगा? आजकल सच्चा प्यार कौन करता है, लड़के मजे लेने के लिए करते हैं, लड़की टाइम पास के लिए, इसको नाम दे देते हैं ट्रू लव, सच्चा प्रेम। मैं भी शुरू शुरू में बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक बात तो तय है, वही लड़की मेरे लिए सब कुछ है, और तुम दोनों ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया यार, और आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। चुप हो जा, तेरे दोस्त तेरे साथ खड़े हैं, क्या बोलते हैं माचा? हाँ, तू जो चाहता है ना कर, हम तेरे साथ हैं, ओके? थैंक्स यार। या, हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे। क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों बुलाए? हे क्या हुआ बताओ मुझे, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? क्या हुआ तुम्हें, बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अपनी फ्रीडम पाने के लिए इतनी उलझ गई थी कि मैं देख नहीं पाई कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मुझे पता है जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मुझसे वादा करो कि तुम जैसे हो तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो? Forever and ever after. अलीपुर में एक बैच है, तूने वहां किसी को रखा है क्या? एक मिनट रुक। हाँ भाई। अबे काम कहां तक पहुंचा? पूरे लड़के शहर में फैल गए हैं, आज वो लड़की पक्का मिल जाएगी। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? तुझे ये काम दिए हुए 3 दिन हो चुके हैं, हरामखोर हो तुम सब। भाई हम ट्राई तो कर ही रहे ना। अगर 1 घंटे में वो लड़की मेरे सामने नहीं आई ना
तो मैं तेरी बहन को धंधे पे बिठा दूंगा, साले नालायक। मैंने ड्रिंक करते करते आखिर ढूंढ ही लिया तुझे। जब तक उसे पकड़ नहीं लेता तब तक कुछ खाना भी हराम है। कितनी मस्त है रे, अब तो इसका ध्यान रख। प्लीज तू तो फिश मछली जैसी है रे। कम से कम मेरे पेट पे जो बच्चा है। आजा। काम अरे अरे भाई, अरे हम लोग इतनी देर में जाना है, मस्ती करेंगे, इतनी उतरना है, बीच आ गया। ओके ब्रो, हम कल मिलेंगे। हां मजा आ गया। बाय। ओके बाय 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 बाय। अगर मुझे पता लगाना है कि श्रुति के साथ क्या हुआ था तो मुझे उसका पीछा करना होगा बिना उसे पता चले। इसको चल, गाड़ी अंदर कर, अंदर कर, चल चल। साली हे, छोड़ छोड़ मुझे, कौन हो तुम लोग? हे हे हे, कौन हो तुम लोग? छोड़, कौन हो तुम लोग? ए, इस तितली को भाई को सौंपने से पहले हम थोड़े मजे ले लेते हैं। हाँ क्यों नहीं लेते मजे। अरे अगर हमने पिछली लड़की की तरह इसे मार दिया, इस पर भाई चुप नहीं बैठेगा। हम इसके साथ आराम आराम से खेलेंगे। इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तू अपनी आंखें बंद कर ले। अरे ले दे बाहर। कहाँ भाग रही थी? हमें पागल कुत्ता समझा है क्या? इतना भगा रही है, भाग के कहाँ जाएगी?
कहाना मार साले को मार पकड़ दे चल साले मार साले तुझे मार साले को साले नहीं चढ़ूंगा मुन्ना ठीक है ना तू मुन्ना मुन्ना तू ठीक है ना तुझे क्या साले तूने मुझे दोस्त का मारा नहीं छोड़ूंगा साले मार छोड़ना मत इसे छोड़ना मत आज इसको मार डालेंगे साले को अकेली दिखती है तो मारेगा उसे जान से मारेगा उसे बोल मैं क्यों मारूंगा अगर मैं नहीं मारूंगा तो बॉस मुझे मार देगा क्या क्या कहा तूने कौन है तेरा भाई उस लड़की को क्यों मारना चाहता है वो
कौन है तेरा भाई बता, कौन है तेरा भाई बता, बता, बोल 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 बोल, बोल बता। थैंक यू सो मच चेतन, इतना खतरा लेकर मेरी जान बचाई तुमने। अगर तुम वहाँ टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। हमारे चारों तरफ कुछ तो हो रहा है, हम किसी जाल में फंस गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है ये सब अराकू गैंग से थे। नहीं, मुझे लगता है ये उससे भी बड़ा है। आई डोंट नो चेतन, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं जाके अंकल को सब बता दूंगी, वो पुलिस के साथ सब कुछ देख लेंगे। ए, देखो तुम्हारे अंकल को इसके बारे में मत बताओ। किसी भी तरह से ये मैटर पुलिस में नहीं आना चाहिए। तुम यहाँ रिलैक्स करने आई हो, तुम बस एंजॉय करो, तुम बस एंजॉय करो। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, जैसे कि तुमने सब देखा हो। प्लीज बात मानो, तुम कुछ नहीं जानती हो। यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही है जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। श्रुति, मुझे इसके बारे में पता लगाने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। सिर्फ तुम ही हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तेरे पास कुछ ऐसा है जो लोगों का भाग्य बदल सकता है। उस आदमी ने कहा था कि भाग्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मतलब इस फोन का डेस्टिनी के साथ कुछ तो कनेक्शन है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो बॉस मुझे मार देगा। वो किसके बारे में बात कर रहा था, मुझे सबसे पहले उसका पता लगाना है। क्या सेठ, पैसे लिए हुए कितने दिन हो गए तुमको? यहाँ अपनी जरूरत पूरी करना मुश्किल है भाई। अबे बुड्ढे, जब तूने पैसे लिए तब बड़ा हरिश्चंद्र बन गया था, और जब पैसे मांग रहा हूँ तब बड़ा सत्यम रामलिंगा की तरह अकड़ रहा है। अगले एक घंटे में तू यहाँ आकर मुझे पैसे देगा, समझा? अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, और वो भी एक घंटे में मैं पैसे कैसे दूंगा? देखो सेठ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पैसे रेडी रखना। ए, उस सेठ की लड़की को उठा के इधर ले आना। सेठ, तेरी बेटी को देखकर मुझे कुछ फील हो रहा है। तू आधे घंटे में 3 लाख नहीं 5 लाख लेकर आएगा। तू आएगा, मुझे पता है। ये कौन है रे? ये सेठ की बेटी है भाई, सेठ से पैसे निकलवाने के लिए इसको। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गया भाई। भाई तुम इसका ध्यान रखो, मैं इसके बाप का ध्यान रखता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो बाबू, छोड़ दो मुझे। भाई भाई छोड़ो, ये लो, ये है तुम्हारे पैसे बेटा, ये सारे पैसे ले लो। तू बहुत लकी आदमी है सेठ, अपुन का भाई तेरी छोकरी को लेके गया है, उनका खत्म हो जाने दे। 2 घंटे बाद मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ बेटा, उसे छोड़ दो भाई, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। नहीं नहीं, ना 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 ना। हाय ब्रो। हाय मचा, कैसा है? तो मस्त थी ना, बता ना यार। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जब इसका फोन आया था तो बड़ी टेंशन में लग रहा था, लेकिन मैंने समय को रिवर्स किया वहीं पर जहां मैं उनको बीच पे छोड़ कर आया था, है ना? बाय। मुझे लगता है कि इन दोनों को मलापेट गैंग की फाइट और श्रुति की डेथ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये उतना ही जानते हैं जहां तक मैंने इन्हें छोड़ा था, मतलब बीच पर। ए बाबा, अभी भी हीरोइन के साथ डुएट गा रहा है क्या? ए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बता, ये चीचा कहाँ है? चीचा वो मुझसे मुकाबला करने के लिए जिम के आगे पीछे घूम रहा है।
भाई भाई, किसी ने मालापेट गैंग को खत्म कर दिया। क्या वो सब मारे गए? खुद को बचा नहीं पाए? वो सब मारे गए ना, अपुन तो बच गए ना। इनको मैंने 2 हफ्ते पहले ही बताया था। अब इस लड़की का ध्यान मैं रखूंगा। कहाँ है रे तू मेरी 5 करोड़ की चिड़िया? श्रुति, वेल, तुम कहाँ सेटल होना चाहती हो? मेरे साथ वाइजाग में या फिर US में? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। सबसे पहले मुझे अपने अधूरे काम पूरे करने होंगे, उसके बाद ही डैड मुझ पर भरोसा करेंगे। उसके बाद मैं उनसे कुछ उधार पैसे लेकर बीच साइड में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन करूंगा। चाहे हमारे खर्च कितने भी हो, मेरा एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा जिसमें मैं सेविंग्स करूंगा। एक साल में कम से कम हम 2 लाख रुपए जमा करेंगे, और अगर हम किसी टूरिज्म क्लब में मेंबर बन जाते हैं तो वो हमें साल में एक बार सभी कंट्री का टूर कराएंगे, और हम दोनों पूरी दुनिया साथ घूमेंगे। 7 years 7 countries। श्रुति, तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के बाद मेरी फोर्ब्स की किसी बड़ी कंपनी का बॉस बनने की इच्छा नहीं है। बस एक सिंपल सी लाइफ हो और जीने के लिए थोड़ा सा पैसा बस, और ये टाइम, ये लाइफ बस तुम्हारे साथ ही ऐसे ही बीत जाए। थैंक्स चेतन, आई लव यू। ए बुली भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? एक लंबी कहानी है, शॉर्ट में समझाना। भाई जब बॉडी बनाने के लिए जॉगिंग करने गए थे, तब एक सुंदर माल से मुलाकात हुई, और तभी एक लड़के की एंट्री हुई। एंट्री? उसके बाद? अबे, एक चेतन नाम का लड़का आया और उसने भाई को कुत्ते की तरह पीटा। क्या गजब का पीटा है उसने भाई को, ये नीचे झुका के जो पीटा। उसके कपड़े फटे क्या? ए, चुपचाप कर, मुझे प्लान बता कि उस चेतन के बच्चे को सबक कैसे सिखाऊं। भाई भाई, अपन को एक प्लान मिलेगा, इधर दिखा। भाई देखो, बता मुझे, वो चेतन का बच्चा हर रोज सुबह सुबह वहाँ जॉगिंग करने जाता है भाई। हम वहाँ पर जमीन पर 2-2 हजार के नोट रख देंगे भाई, वो जैसे उठाने के लिए झुकेगा हम दबोच लेंगे। नोट उड़ गया तो? ठीक है, तो फिर हम 20 रुपए के 1000 नोट समरीन के पास रख देंगे, तब तक वो पक्का नीचे उठाने के लिए झुकेगा और हम दबोच लेंगे। शाबाश, ये ले। थैंक यू भाई। पुलिस आ गई, सारे नोट चुरा ली तो? ठीक है भाई, वो सब छोड़ो भाई, वो इस रास्ते पर जॉगिंग करेगा और दौड़ते 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 इस रास्ते पर आकर यहाँ रुक जाएगा। भाई वैसे ये गंजा आदमी कौन है? नहीं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे भाई, अरे भाई है क्या? बेइज्जती मत कर, आप उनके भाई का फोटो है, चल भाग यहाँ से। क्या भाई, आपन एक सुपर आइडिया देता। भाई मैं एक ड्रग डीलर को जानता जो कि फारू ड्रग देता भाई। 500 का आपन लेंगे और सस्ती दारों में मिलाएंगे और वो फिनिश हो जाता भाई, और फिर वो नागिन के माफिक नाचता और अपन सपेरे के माफिक मारते और वो फिनिश हो जाता भाई। जब प्लान बहुत सस्ता होता है तो मर्डर खतरनाक होना चाहिए। अबे तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? थोड़ा सा माल लेने आए हैं भाई यहाँ पे। ए, जा माल ले। क्या? ए, कौन है ये दोनों? अरे अपुन का आदमी है। तूने उस लड़की का क्या किया? लड़की भाई? तुझे नहीं पता कौन सी लड़की? फोन में है वो लड़की, ये है वो लड़की। कौन सी लड़की भाई? तू जानता है कैसे? इसको तो अपुन जानता है भाई। बता बता कहाँ दिखा तुझे, बता बता मुझे कहाँ दिखा तुझे, जल्दी बता बता कहाँ दिखा तुझे, मैं मार दूँगा तुझे, बता। भाई चल निकल। सुसु करके आता है। ए, मेन गेट बंद कर जाकर। लानत है ऐसी लाइफ पे, ऐसी जिंदगी से क्या सोचा और क्या हो गया? पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में मुझे सूझ। अरे भाई, अपुन ने पहले ही तुमको बोला था ना ऐसा नहीं करने का, नहीं करने का। ए, वो सांड जैसा आदमी उस लड़की के बारे में सोच रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे टकले पे बाल के साथ साथ भेजा भी नहीं है, इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो यार? मैंने पहले ही मना किया था। अरे इधर कुछ तो चल रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये तुम बिल्कुल गधे हो भाई, मरो यार। कटप्पा के अंदर बाहुबली कैसे आ गया भाई? बोलो तो मार दे इसे। नीचे ले ले नीचे, अपुन इससे बचपन से खेलता आया है। वो लड़की कहाँ है? बताएगा, लेकिन अपुन की कुछ कंडीशंस है। कैसी कंडीशन? वो लड़की चेतन की लवर है, पहले उस चेतन को फिनिश करो। मुझे उसका नंबर दे। 9845446 इसके आगे बताने का अपुन का अभी मूड नहीं है, डोंट वरी, टच में रहना, बताएगा। ए, उस लड़की को मारने के बाद इस गंजे को भी उड़ा देना। हाय चेतन, हाउ आर यू? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, और मुझे डिच करने का शुक्रिया। हे कम ऑन, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो तो हमारा नकली ब्रेकअप था। क्या फेक था? मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, लीव मी अलोन। मैं
मैं तुम्हें इस टेंशन से निकाल सकती हूँ। क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम यूएस जा रही हो अपनी एमएससी कंप्लीट करने के लिए, तो क्या हुआ उसका? मैं कभी वहाँ गई नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। ओहो, ऐसा है क्या? ये मजाक करना बंद करो। अरे ऐसा कुछ नहीं है चेतन, आई मिस यू। ए, उस रघु ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? ओह सॉरी, उसे तुमसे छुटकारा मिल गया होगा। अच्छा एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। ए, तुम्हें कोई मिल गया है क्या? यस, मुझे मिल गया है और वो यहाँ पर है। अच्छा, तो तुम्हारे दिन में कोई और है क्या? मैं भी देखती हूँ कैसे खुश रह सकते हो। भाई, शेखर ने काम पे आने से मना कर दिया। भाई अब उसे क्या हुआ रे भाई? लेकिन उसकी नई शादी हुई है इसलिए आने के लिए मना कर दिया। वो जानता नहीं है क्या? अगर उसने काम करने के लिए हमारे साथ मना किया तो उसको जान देनी पड़ेगी। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए हैं, बहुत लोगों को सताया है, कई लड़कियों की बददुआएं लगी हैं मुझे, लेकिन जब से तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा आया है तब से मुझे जिंदगी की कीमत पता चल गई है। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, हम दोनों मलेशिया जाकर वहीं सेटल हो जाएंगे। मेरे बिना तुम मलेशिया कैसे जा सकता है बता? शेखर! बर्बाद हो जाओगे। तुमने इसे धोखे से मारा है ना, मुझे अकेला कर दिया तुम लोगों ने। ये एक दुखी औरत का शाप है तुझे, तू मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा शाप तब लगेगा ना जब तू जिंदा रहेगी, इसलिए तुझे भी मरना पड़ेगा। हेलो चेतन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बिना झूठ बोले सब कुछ सच बता दो प्लीज। अरे पहले बताओ तो क्या हुआ है। अच्छा पूछो। यहाँ आयशा आई थी। देखो श्रुति, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। इतना ही नहीं, वो बोलता था कि मेरा फिगर बम की तरह बना देगा। मैं उसके प्यार में 24 घंटे थी, अब वो सब तुम्हारे साथ हो रहा है। ब्रेकअप से पहले तुमने उससे कहा था तुम एक हॉट फिगर वाली लड़की को पटाओगे? हाँ मैंने कहा था, लेकिन शह, डैम इट। हेलो, हाँ ठीक है अन्ना, गंजे का कॉल था, लड़की का पता चल गया। अब उस चिड़िया को मसल के मारूंगा, चल। हे श्रुति। अरे श्रुति तो अभी बाहर गई है वो। श्रुति, श्रुति। Thank God, तुम मिल गए। चले जाओ यहाँ से। प्लीज श्रुति, मेरी बात तो सुनो। Just leave me alone, please, you cheater। हाँ मैंने उसे ये सब कहा था, लेकिन तुमसे मिलने से पहले। हाँ, तो मुझे उसकी तरह यूज करके फेंक दोगे। हे श्रुति रुको, कहाँ जा रही हो? श्रुति रुको, श्रुति मेरी बात तो सुनो, रुको ना यार, श्रुति सुनो। Yes, वो मेरा पास्ट है, मेरा पास्ट है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि तुम ही मेरा फ्यूचर हो और हमेशा हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी रहोगी। ये डायमंड रिंग है जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बचा कर रखी थी। ये रिंग इस बात की गवाह है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो। आई लव यू। तुम्हारी यही स्माइल मेरी जिंदगी बना देती है।
आंखें बुलाती है, रुक जा तू जरा मेरे लिए, तू जरा मेरा दिल कह रहा तू पास मेरे आ, तुझसे प्यार है तुझसे ही प्यार है, तुम ही हो धड़कन में तुम ही हो बातों में तुम ही हो जीने की वजह, फूलों की खुशबू में खो जाओ दिल चाहे तेरे कदमों के तले जाने जा, मेरे होंठ गाते हैं आगे बुलाते हैं, रुक जा तो जरा रुक जा तू जाने जा, संग संग तेरे ही चलता जाऊं यहाँ, ना देखूं तुझको तो ना जीने में है मजा, तू ना हो तो चले जा जीना पाऊंगा, तुम ही आंखों में सपने बनकर हो, तुम ही रहती हो धड़कनों की सुधों, प्यार तुम्हारा बहता नसों में तुमसे ही है, तुम्हीं से चाहत मेरी तुम पे ही खत्म, तुम अक्स हो मेरे संग संग चलो दिन के ढल तक मेरे संग संग ही रहो, तुम सांसों में ऐसे ही रहो मेरी प्रेमिका, तुम संग संग ही रहो सांसों में तुम ही हो धड़कन में तुम ही हो जीने की तुम ही हो वजह, जब तक ये चंदा है जब तक ये सूरज है ना होंगे हम ये जुदा, वेर आर यू, कम टू ऋषिकोंडा बीच अर्जेंटली प्लीज यार। अरे चेतन क्या हुआ, क्यों कॉल किया यार, अबे बताना क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अबे पहले बता तो, अरे क्या इतना डरा हुआ क्यों, अरे तू बताना, अरे तू डर क्यों रहा है, बताना चीचा पूछ ले इससे, क्या अबे तुम्हें पता है चेतन हुआ क्या है, अरे यार तू तू क्या कर रहा है, अरे ये मुझे क्यों पहना रहा है, हुआ क्या है यार, Yeah!
मुझे लगा यहाँ वो लड़की होगी। ये सब कौन है बे? मचा चलो यहाँ से। मचा ए मचा, अरे यार मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे, ये सब क्या हुआ? अरे नहीं, अब ऐसा कोई वीडियो नहीं बचा जिससे मैं टाइम में पीछे जाऊं, श्रुति के किडनैपिंग से पहले और मरने से पहले। लेकिन उस टाइम में वो सब भी जिंदा रहेंगे। सिर्फ एक चांस है श्रुति के किडनैपिंग और मरने के लिए। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मचा मेरे दोस्त, मचा मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। आपके दोस्त की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो फिलहाल कोमा में है और हम नहीं कह सकते कि वो कोमा से बाहर कब तक आएंगे। छे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ, तेरी वजह से आज इसकी ये हालत है। ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक हफ्ते से महसूस कर रहा हूँ मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। मैं इसे बचा सकता हूँ लेकिन क्या क्या तू बचा सकते इसे? प्लीज चेतन बचा ले, चेतन बचा ले तू इसे, प्लीज चेतन बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ चेतन, प्लीज बचा ले, बचा ले चेतन। अगर श्रुति को दोबारा कुछ हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्या वो लड़की तू पागल हो गया है? तू उससे कुछ दिन पहले ही मिला है, उसमें ऐसा क्या है? ये हमारा दोस्त है भाई, बचपन से हमारे साथ पड़ा हुआ है भाई। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ भाई, इसको बचा ले भाई, बचा ले, प्लीज बचा ले भाई। अरे मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम दोनों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में यार। मैं तुझे जान से मार डालूंगा चेतन, अगर तुमने कहा वो लड़की इम्पोर्टेंट है। छी, तू कैसा दोस्त है रे? एक बात याद रख चेतन, जब हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है तो हम दोस्तों के साथ ही दुख शेयर करते हैं, लेकिन तूने वो मौका खो दिया है, तूने अपने दो बेस्ट फ्रेंड को खोया है। छी, अपनी शक्ल मत दिखाना। Oh, 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 oh
ए, क्या बात है? कोई तो है के साथ खेल रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे हुआ क्या है? विनाश की शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ मौत, कोई नहीं बचेगा, मौत सिर्फ मौत बचेगा, सिर्फ मौत। उसने भाई को मार दिया है भाई, उसने बहुत भयानक मौत दी है। ये क्या हो गया भाई, छोटा भाई? अपने छोटे भाई को मार दिया भाई, किसने किया रे? हे वहीं रुक, वो फोन मुझे दे। क्या हुआ पापा, फोन क्यों चाहिए? एक साधु जैसा आदमी आया था, वो तेरे और तेरे फोन के बारे में बोल रहा था। ए तुम चुप रहो, ए मुझे वो फोन दे। नहीं डैड, मैं वो फोन आपको नहीं दे सकता। ये फोन चाहिए या हम चाहिए फैसला कर ले। अगर ये फोन चाहिए तुझे तो इस घर से अभी के अभी निकल जाओ, निकल जा मेरे घर से तू। मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपना परिवार, अपने दोस्त सिर्फ एक लड़की के लिए छोड़ दिए। लेकिन जब एक लड़का अपनी प्रेमिका से कोई वादा करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो या फिर उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो अपना वादा नहीं तोड़ता। एक लड़के का प्यार ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना सारा दुख इस शराब के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास एक शराब और दोस्त दोनों है, जिसे हर खराब सिचुएशन में भी पार्टी करनी होती है। ये मेरा पुराना दोस्त है। तुम चलो ना ब्रो, वहाँ बीच पे मस्त पार्टी हो रही है। ए, मुझे अकेला छोड़ दे और पार्टी की बात क्या कर रहा है, चल जा। Hey bro, it's not normal party, it's a chore party, buddy. अबे ऐसी हरकतें मत कर। अरे चलो ना यार। मुझे सीट क्यों रहा है? Come on, just drink it. तुम जाओ चाहे जहां, चाहे यूपिया मुंबई, जाना कोई मिलेगा वहां, मुझसा ना कोई, कोई ना यहां, कोई ना यहां। कत्ल कर दिया। चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। लाखों दीवाने मेरे आए यहाँ पे। मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। सारी तिजोरी लुटाने यहाँ पे। मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। लाखों दीवाने मेरे आए यहाँ पे, सारी तिजोरी लुटाने यहाँ पे। काल गुलाबी मेरे होठ है चूसी, जो भी दीवाना देखे मारे देता सीटी। मेरी जवानी देखे हो जाते क्रेजी, जवानी मेरे मर जाते सारे। मस्त है तू और मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू, चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। जो ठुमका करे हाँ, जो दोबारा मैं ठुमका लगा दूँ, गिर गए कितने दीवाने रे। मेरा रंग मेरी अदा, लाखों के दिल तोड़े रे। चाहे जो भी मुझको यहाँ पे, वो बेचारा काम से गया। मेरा
है दीवाना ये जमाना मेरा इसको देखो वो ही मेरे प्यार में गया। सेल्फी निकालने को बेताब है जिसने फोटो ली वो साला बैन हो गया। मस्त है तू चिकनी मस्त है तू चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। मस्त है तू चिकनी मस्त है तू चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। मस्त है तू चिकनी मस्त है तू चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। मस्त है तू चिकनी मस्त है तू चिकनी मस्त है तू मेरी जाना। क्या हुआ अगर हमारे पेरेंट्स हम पर गुस्सा हो, एक दिन वो मान जाते हैं। मेरे उस दोस्त ने मुझे इतने विश्वास से समझाया कि मैं दूसरे ही दिन मेरे घर चला गया। डैड है ना वो। hey, मैं तेरे घर आया था, मुझे लगा तू जरा बिजी है इसलिए मैं तेरे माँ बाप को ही मार दिया। मेरे पास एक सरप्राइज है तेरे लिए। देखना चाहता है? देख। तुझे बस एक बार तेरी फोटो में देखा था, एक शेख तुझे चाहता है। मेरे भाई की मौत की वजह तेरा ये चेहरा है ना, मैं ये चेहरा जला दूंगा। तू अगर तुरंत ही यहां नहीं पहुंचा तो तुझे इसकी लाश मिलेगी। कोर्ट में आके किसी से भी पूछ ले कोर्ट बेडू कौन है। मेरे माँ बाप को बचाने के लिए, श्रुति को बचाने के लिए मुझे आखिरी वीडियो में जाना पड़ेगा जिसमें जाने से मैं डरता था। इसके जरिए मैं श्रुति के पहली बार मरने के पहले वाले टाइम में पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस टाइम में मैंने जिन लोगों को मारा था वो सब जिंदा होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मलाडपेट गैंग पहले पोर्ट वेडू के पास जाएगी और उसे बताएगी कि लड़की कहां रहती है। और अगर मैं उन्हें फॉलो करूंगा तो मैं उन्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट न कर पाए। अब मैं उन लोगों का पीछा करूंगा और उन्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां मैं उनका काम तमाम कर सकूं।
वर्सेस क्रूएलिस्ट गैंग ऑफ वाइजाक। और मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है, ये फोन। जाके देख ले।
तू मुझे क्यों मारना चाहता है? नहीं, क्या तू कोई पुलिस ऑफिसर है कि सीबीआई वाला है? मुझे नहीं मार सकता। क्या है तू? मैंने 100 अपराध किए हैं, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे तेरी किसी गलती की सजा नहीं मिल रही है। मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तू फ्यूचर में गलती करने वाला है। मेरे मॉम डैड और श्रुति सब सेफ हैं। अब इस टाइम में मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे पास जो फोन है ये तेरा भाग्य बदल सकता है और कई लोगों की मौत की कारण भी बन सकता है। तुझे क्या लगता है कि तू वो सब हासिल करेगा जो तू चाहता है? नहीं। अरे असली समस्या तो अब शुरू हुई है। आज से अभी से तुझे सिर्फ शोक मिलेगा, सिर्फ शोक। मैंने तो सोचा था श्रुति और मैं हम लोग एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। एक दिन उसने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। हे, ऐसे अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? अब बताओ, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? आई एम प्रेग्नेंट। हमेशा इस फोन के साथ खेलते रहते हो। हम अब से एक नई जिंदगी जिएंगे। ये आधा तुम्हारा और आधा मेरा है जो इस दुनिया में आएगा। मैं बस इस पल को कैमरा में कैद करना चाहता था, इसीलिए वीडियो बना रहा था। अरे मूर्ख, तुम नियति को नहीं बदल सकते जैसा तुम चाहते हो। और तुम एक नई जिंदगी को बना रहे हो। तुम देखना, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात अपनी सभी शक्तियों के साथ आएगी और इस जीवन को कभी पैदा ही नहीं होने देगी। तुम ईश्वर की शक्तियों को चुनौती देना चाहते हो, मूर्ख इंसान। ईश्वर की शक्ति तुम दोनों को मार देगी। अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम? चलो यहाँ से, चलो लेकिन, चलो 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 निकलो यहाँ से। आओ आराम से। श्रुति, पागल हो गया।
नियति को नहीं बदल सकते। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं श्रुति को बचा लूंगा। ब्रह्मा ने संपूर्ण विश्व के लोगों को बनाया है। उन्होंने अपने लिए भी कुछ लोगों को बनाया है। अंत में वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। तू अगर बुरा काम करेगा तो तुझे नरक मिलेगा, और अगर तू अच्छा काम करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। हर चीज का हिसाब है वहां पे। लाखों लोगों को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा ने भी अपने लिए कुछ लोगों को बनाया है। ये लोग हमारे बीच रहते हैं। उन्हें सब पता चलता है। भगवान सर्वज्ञ होता है। सिर्फ अपना भविष्य इसमें देख सकता है। तू जो भी बदलेगा उसका तुझे सिर्फ निश्चित लाभ ही हो सकता है। कि ब्रह्मा जो करता है वही सब होता है। क्या कहा तूने? ब्रह्मा का लिखा हुआ कौन बदल सकता है? ब्रह्मा का लिखा उसकी कीमत नहीं है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं तुझे मारकर ब्रह्मा का लिखा हुआ बदल दूंगा। हंसना, हंस हंसना। तू हमेशा हंसता रहता है ना? हंस हंसना, हंस। हमेशा हंसते रहता है ना तू? हंस, अब हंस के दिखा। अरे मूर्ख मनुष्य, तू मुझे कैसे मार सकता है? मैं इस दुनिया से हूं ही नहीं जो तू सोच रहा है। मैं तो ब्रह्मा लोक का एक दूत हूँ। अगर तूने मुझे मार दिया तो तू नियति को बदल नहीं पाएगा। एक मानव अपने जन्म से पहले अपने दिमाग में अपनी नियति लेकर आता है। नियति हर मनुष्य के चारों तरफ है। भगवान ने जो लिखा है वो मनुष्य के लिए अच्छा होगा। अगर तुम इससे आगे जाने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम दुख को नहीं बदल सकते। इसलिए उस लड़की ने कई मुश्किलों को पार किया। अगर तुम्हें वो फोन नहीं मिलता तो तुम उस लड़की से नहीं मिल पाते। अगर तुम्हें ये फोन नहीं मिलता तो कम से कम वो लड़की तो खुश होती। सिर्फ इस फोन की वजह से तुमने बेवजह चीजों का सामना किया। तुमने नियति के साथ खिलवाड़ किया है।
मैंने उसकी जिंदगी उसे वापस तो कर दी, क्योंकि मैं उसे एक आखिरी बार देखना चाहता था। उसने मुझे देखा जरूर, लेकिन वो इस तरह चली गई जैसे वो मुझे जानती ही नहीं, क्योंकि ये बात वो नहीं जानती कि हम कभी मिले हैं। कम से कम वो खुश तो है, बस यही मेरे लिए काफी, क्योंकि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब आप उसे खुश देखना चाहते हैं, और इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं, मतलब ट्रू लव। बेटा, आखिर तूने अपने पापा से भी बड़ी कंपनी बना ली, अब तू मैगजीन में भी आ गया, अब तू शादी कब करेगा? हमारे रिश्तेदार तेरी शादी को लेकर मुझे कहते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता माँ, जो कुछ होता है ऊपर वाले के चाहने से होता है। जो भी हो, पंडित जी ने नई फोटो भेजी है, कम से कम इसको तो हाँ कर दे बेटा। माँ, तुमने मुझे 100 लड़कियों की फोटो दिखाई, तूने उन सबको देखे बिना ही रिजेक्ट कर दिया। ये क्या है बेटा, इस लड़की ने कहा है कि वो शादी तभी करेगी जब वो पूरी दुनिया देख लेगी, ये देखो। माँ, मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। क्या,